नमस्कार आदाब, मैं सैयद मौशाद अनवर पहलीकिरण.com के लिए, और हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर हाफिज जहांगीर अकरम साहब, आज भी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कोविड-19 के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे। कोविड-19, मैं जहां तक समझता हूं कि ये आसमानी आफात, ये आसमानी आफात क्यों है? इंसान जब नेचर के साथ छेड़छाड़ करता है तो ये कुदरत को कभी ये बर्दाश्त नहीं है कि उसके हुकूमत में, उसके कारीगरी में किसी तरह का इंटरफेयर हो। कुदरत ने जो इंसान को जो दिया है, असबाब मुहैया किए हैं, जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया करने के लिए, उसको हमको बहुत खूबी करना चाहिए, अपने इस्तेमाल में लाना चाहिए। लेकिन दायरे के अंदर, जब हम दायरे हद से तजावुज़ करेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए मुसीबत और बवाल जाएगी। हम एक दूसरे का ख्याल नहीं, हमें अपनी फिक्र, हम सेल्फिश होते जा रहे हैं, सेल्फिश हो गए, ये जहन दिल और दिमाग से निकल गया कि हमारे ऊपर कोई है, इस कायनात को, इस ब्रह्मा को कोई चलाने वाला है, ये हमारे जहन से ख़त्म हो गया और हम अपने आप को जो है पावर समझिए। असल जो पावर है वो एक है, अब वो जैसे हमें चला रहा वैसे हमें चलना चाहिए। जी बेशक, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या शुरुआती दौर में लॉकडाउन का फैसला सही था? जी जनाब, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि आवाम किसी परेशानी, किसी दुख, किसी आपदा में फंसे। सरकार ने बहुत ही गौर फिक्र करने के बाद, बहुत ही मंथन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि हमें लॉकडाउन करना चाहिए। हालांकि मेरा ये मानना है कि उस मंथन में, उस गौर फिक्र में आवाम की सहूलत और हर एक आवाम का ख्याल करते हुए इस लॉकडाउन के फैसले को, फैसला बहुत अच्छा था, लेकिन हफ्ता 10 दिन बढ़ा करके अगर ये लॉकडाउन किया जाता तो शायद हम एंड ऑफ अप्रैल इस वबा से, इस बला से, इस मुसीबत से अब तक हम छुटकारा पा लेंगे। तो खास चुप हुई है, इसका मंथन होना चाहिए। मैं आपके बात से सहमत हूँ, फिर इसका हल आपके नज़रिए में क्या होना चाहिए? देखिए जनाब, अब तो सरकार जो है के हाथ में, सिर्फ ये हम सोचेंगे कि सरकार ही कुछ करे और सरकार इसका हल निकाले तो ये नामुमकिन। ये मसला अवामी मसला बन चुका है और आवाम को चाहिए कि सरकार का भरपूर तआवुन करे। सरकार जिन चीज़ों के लिए अलाउ कर रही है उसको हमको फॉलो करना चाहिए, और जिन चीज़ों से उन्हें रोका है, मना किया है, हमें रुकना चाहिए। और इस आसमानी बवा से, कोविड-19 से बचने के लिए मेरी समझ से एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है, और वो ये है कि सेल्फ इंडिविजुअली हर आदमी अपने आप को परहेज करे, मास्क लगाए, और डॉक्टर ने जो तजावीज़ पेश किए हैं उसको फॉलो करे, गैदरिंग न हो, सामाजिक जो है जमावड़ा न हो, हम एक जगह जमा न हो, डिस्टेंस बना कर करके, और इसमें हम जो है कट्टरपंथी भी न दिखाएं कि नहीं हम जो है जाएंगे इस काम के लिए, मस्जिद ही में जाकर अदा करेंगे, फलां जगह पर अदा करेंगे, क्योंकि कोई भी धर्म मज़हब का जो ताल्लुक है वो अकीदे से, और अकीदे का ताल्लुक दिल से, हम दिल से कोई काम करते हैं तो अल्लाह ताला, जो हम घर बैठे भी अगर वो काम कर रहे हैं तो वो अल्लाह ताला उसको, वो खुदा कुदरत जो है, ईश्वर जो है,
और ना उसको देख रहा और उसको कबूल कर रहा, तो आसमानी बवा और आफात में हमको चाहिए कि हम सरकार का सपोर्ट करें, तआवुन करें और एक दूसरे के लिए हम जो है अपने लिए नहीं, एक दूसरे का ख्याल करते हुए कि हम अपने अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं। अगर ये आवाम के जहन में दिलो दिमाग में पैवस्त हो जाएगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इस वबा से बहुत जल्द निजात पाएंगे। आपने सुना होगा सरकार ने डिजिटल रैली के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, इस वक्त भाषण की जरूरत है या राशन की? जी जनाब, इस वक्त जो है जनता को आवाम को राशन की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तानी आवाम की अक्सरियत जो है वो गुर्बत ज़दा है। 65% लोग यहाँ जो है बिलो एवरेज हैं, पुअर हैं, तो उनका हमें ख्याल करते हुए हर एक फर्द तक कैसे राशन पहुँचे ये सरकार की और तमाम सियासतदान को फिक्र करने की जरूरत है। सिर्फ ये नहीं कि सरकार की, जितनी पार्टियां, जितनी जमात हैं, सियासी रहनुमा हैं, चूँकि ये पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये आपदा का मामला है, ये आसमानी आफात है, इसको जहन में बैठा लीजिए कि ये आसमानी आफात है और हम आसमानी आफात से कैसे छुटकारा पाएँ और हम अपने गरीब भाइयों का कैसे ख्याल करें। सिर्फ हम सरकार को जिम्मेदारी थोप दें कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, सबको मिलजुल कर कर करके अगर घर में कोई मुसीबत आती है तो हम सब एक हो जाते हैं, ऐसे आंगन होता है हर घर में, लेकिन जब बाहर से कोई मामला आता है तो हम सब एकजुट होकर करके ये नहीं देखते हैं कि ये इससे हमारे ज़ाती अख्तिलाफात। तो इस वक्त ज़ाति और सियासत का वक्त नहीं है कि हमको सियासत करना है, अपनी सियासी जो है बिसात कायम करनी है, सियासत को चमकाना है, नहीं, हमें इंसानियत को सामने रखते हुए, गरीब का ख्याल करते हुए, गरीब के हर गरीब का घर और हर गरीब तक राशन कैसे पहुंच पाए, हमारा कोई भाई और आवाम को इसमें जो है पहल करना पड़ेगा कि आवाम अपने पड़ोसी, कि हमारा कोई पड़ोसी है वो भूखा तो नहीं सो रहा, वो भूख की हालत की वजह से तो नहीं मर रहा, उसकी जान तो नहीं जा रही। तो दोनों को, सरकार को भी चाहिए और आवाम को भी चाहिए, और सिर्फ सरकार नहीं, तमाम सियासी पार्टियां इस मुद्दे पर सियासत को परे हटा करके, परे अलग कर करके कि हमको इंसानियत की बका के लिए काम करना चाहिए, और अगर हम इंसानियत का ख्याल करेंगे तो ऊपर वाला हमें इस परेशानी से, इस आपदा से हमें ज़रूर निजात देगा और फिर हम जैसे पहले थे वैसे हम हो जाएंगे। जी, समाज में जागरूकता की ज़रूरत है। और मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, क्या सरकार ने जो अभी अनलॉक का जो डिसीजन लिया है वो कितना सही है? जी, सरकार ने जो अनलॉक का डिसीजन लिया है, सरकार के पास कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं। अगर सरकार डिसीजन नहीं लेती तो आवाम डिसीजन लेती, क्योंकि आवाम जो है दाने दाने के लिए मोहताज हो गई, रोज़गार नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, दवा नहीं, दारू नहीं, आवाम क्या करे, रोड को उतरना ही था, आज न कल उतरती। सरकार बहुत ही गंभीरता से इस बात को समझ रही थी कि अगर हम अनलॉक नहीं करेंगे, आवाम को मौका नहीं देंगे तो बहुत ज़्यादा जो है दुश्वारी पैदा हो जाएगी और हम इस वबा को हम रोक नहीं पाएंगे। हालांकि अभी भी रुक नहीं पाया है, बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इसका अंजाम और बहुत बुरा होगा। अभी जो हम देख रहे हैं, जिस नतीजे पर पहुँचे हैं, ये और भी जो है दर्दनाक हो जाता है। जिस तरह
इटली में, अमेरिका में हमने देखा, उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता, इसका रूप जो है बहुत खतरनाक होता। तो सरकार ने अपनी सोच, अपनी गौर फिक्र के जरिए अनलॉक किया ताकि आवाम को कुछ राहत मिले और आवाम जो है अपने लिए कुछ जमा कर सके, इकट्ठा कर सके। और ये नसीहत देते हुए कि आप डिस्टेंस मेंटेन करें, और आवाम को चाहिए भी कि हम जो है उन उसूल और उन कवानीन को, उन अहकाम को जो है हम फॉलो करें, तभी हम जा कर करके हम इस मुसीबत से हम निजात पाएंगे। और अनलॉक का डिसीजन जो है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सरकार ने इस वक्त जो लिया है, आवाम को जो मौका दिया है, वो सही है, नहीं तो इससे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें पहली किरण.com के साथ। शुक्रिया।